सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, दिस इज निखिल एंड यू आर वाचिंग बस टुडे टेक। गाइस, पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हमने सीखा है। और एग्जांपल में हमने सीखा था कि सब्सक्राइब बटन कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक वगैरह कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आप सब्सक्राइब बटन देखते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। आज भी हम आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको ये पता लगेगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे एचटीएमएल लैंग्वेज पर हावी रहता है। आज जो हम इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे, एचटीएमएल लैंग्वेज के एट्रीब्यूट को जावास्क्रिप्ट कैसे चेंज कर देती है, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप में, इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं और छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं कि आज जो हम जो एग्जांपल यूज कर रहे हैं इसमें हम एक बल्ब का यूज करेंगे और दो बटन का यूज करेंगे। टर्न ऑन का बटन यूज करेंगे, देन टर्न ऑफ का यूज करेंगे। टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो बल्ब जल जाएगा और टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा, यानी कि ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। ठीक है, तो ये हम प्रोजेक्ट का यूज करेंगे अपने लैपटॉप में। चलिए चलते हैं लैपटॉप में और क्रिएट करते हैं और आपको बताते हैं एक नया एग्जाम्पल। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप में। इसके लिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, जैसा कि हमें HTML, CSS और JavaScript जो हम क्रिएट करते हैं नोटपैड में करते हैं, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। और भी एडिटर आते हैं लेकिन मैंने आपको यही बताया है, तो आप इनका इजीली यूज कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस में हम शुरू करते हैं। और नोटपैड प्लस प्लस की खास बात यह है कि इसमें लाइन वाइज आ जाता है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज और कोई रीजन यहाँ पर नहीं है। तो चलिए HTML यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले और HTML क्लोज कर देते हैं। सो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ है कि HTML स्टार्ट करना है, देन उसके बाद क्लोज भी करना है। इसके बाद हम बॉडी टैग भी यूज लेते हैं, बॉडी देन बॉडी टैग क्लोज। ओके, बॉडी टैग के बाद आपको अब इसमें कुछ कंटेंट, यानी कि हम HTML क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ कंटेंट इसमें लिख देते हैं, कुछ कंटेंट हम इसमें राइट कर देते हैं। हेडिंग 2 का यूज कर लेते हैं, हेडिंग 2, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, हेडिंग 2 क्लोज। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाएंगे और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते जाएंगे। इसके बाद एक पैराग्राफ टैग हम यूज ले लेते हैं। पैराग्राफ टैग में यहाँ पर हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML की जो एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं उनको चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ और उसमें नेक्स्ट लाइन, इन दिस केस, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे उस केस में जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स। ठीक है, यानी कि जो हम एट्रीब्यूट यूज लेंगे वो सोर्स यहाँ पर यूज लेंगे कि किस तरीके से सोर्स यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चेंज कर देगा। तो देखते रहिए, अभी आपको पता लग जाएगा एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। ठीक है, वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद हम ये पैराग्राफ टैग क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि हमारे जो ब्राउज़र पर क्या आ रहा है ये लिखने के बाद। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पर आपको हमेशा की तरह सेव करनी है अपनी HTML फाइल में। एग्जांपल नाम दे देता हूँ मैं इसका, example.html। ठीक है, example.html हमने नाम दे दिया। HTML एक्सटेंशन हमेशा याद रखना है आपको। सेव कर दिया। सेव करने के बाद जस्ट हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पर सेव होके आ गया एग्जांपल। राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, गूगल क्रोम में ओपन कर लेते हैं किसी भी, तो जो हमने यहाँ पर लिखा वो यहाँ पर आ गया है। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एन सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। ठीक है, तो चलिए एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ही आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बटन यूज ले लेते हैं और बटन में लिख देते हैं टर्न ऑन द लाइट, बटन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर जो एक बल्ब की जरूरत है, जो मैंने यहाँ पर दो बल्ब यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं, एक मैंने डाउनलोड करा था और एक दूसरा मैंने फोटोशॉप की हेल्प से येलो कलर का क्रिएट करा है, जिससे एक एक बुझा हुआ बल्ब यानी कि ऑफ बल्ब और एक ऑन बल्ब आपको मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑफ बल्ब का यूज लेंगे, ऑफ बल्ब को इसमें पुट करेंगे कोडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेज टैग हम यूज लेते हैं, इमेज SRC इज इक्वल टू बल्ब की जो इमेज है उसका नेम। ठीक है, बल्ब की जो इमेज है इसका नेम हमने यहां पर लिख लिया है, .gif। gif क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारी जो इमेज है इसका जो एक्सटेंशन है वो gif है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब JPEG, PNG कोई सा भी इमेज आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं, जस्ट आपको यहाँ पर .jif एक्सटेंशन तो मेंशन करना ही होगा। देन इसके स्टाइल हम डिफाइन कर देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ जो है वो 100 पिक्सल कर देते हैं, 100 पिक्सल कर दिया, डबल स्ट्रिंग किया, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद एक बटन का यूज और ले लेते हैं, ठीक है, जिस पे लिखा होगा टर्न ऑफ द लाइट, बटन टैग क्लोज किया और जस्ट यहाँ पर अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं क्या चेंजेस हुए। इसको जैसे रिलोड करेंगे तो चेंजेस आ जाने चाहिए। यहाँ पर रिलोड किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, बल्ब आ गया है और दो बटन हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ जो जैसे कि हमने यहाँ पे SRC में इमेज का नाम डायरेक्ट पुट कर दिया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी इमेज और जो प्रोजेक्ट है यानी कि जो फाइल है जिस नेम से हमने फाइल सेव करी है दोनों एक ही जगह पर हैं, इसलिए यहाँ पर आपको लोकेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर आपकी सपोज कि ये फाइल कहीं और है और जो आप वर्क कर रहे हैं वो कहीं और है तो आपको यहाँ पर कंप्लीट लोकेशन यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अब हमें एट्रीब्यूट चेंज करना है किस तरीके से, यानी कि जब हम टर्न ऑन पे क्लिक करें तो बल्ब जल जाए, यानी कि यहाँ पर इमेज चेंज हो जाए, टर्न ऑफ पे क्लिक करें तो वापस से पुरानी इमेज आ जाए। तो इसके लिए हमें अब जावास्क्रिप्ट का यूज लेना होगा और जावास्क्रिप्ट क्या काम करेगी, वो कॉल करेगी। जावास्क्रिप्ट का हमेशा काम रहता है जो भी आप HTML CSS यूज करते हैं और फिर आप जब जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उस कंटेंट में से किसी पर्टिकुलर चीज में अगर आप चेंज चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट पहले उसको कॉल करता है और कॉल करने के बाद उसमें चेंज करता है। तो हमें यहाँ पर इमेज में चेंज करना है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इमेज को ही कॉल करना होगा। तो यहाँ पर हम इमेज की जो आईडी है उसको डिफाइन कर देंगे, इमेज आईडी इज इक्वल टू माय इमेज यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इमेज की आईडी डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हमारा क्या काम रहेगा, हम इस बटन से इस आईडी को कॉल करें और इस इमेज को चेंज कर दें। वो कैसे करेंगे, बटन में आ जाते हैं, बटन के अंदर हम आ गए, बटन टैग के अंदर हैं, आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से इस ब्रैकेट के अंदर हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करते हैं। ऑन क्लिक इवेंट इज इक्वल टू यहाँ पर डबल स्ट्रिंग स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें जो आपकी आईडी है इमेज की उसको कॉल करेंगे, ब्रैकेट क्लोज स्ट्रिंग लगा के, ठीक है। उसके बाद डॉट SRC, अब SRC में जो हम न्यू इमेज कॉल करेंगे उसका नाम लिखेंगे और उसका नाम है, आप यहां से डेस्कटॉप से कॉपी कर सकते हैं या फिर आपकी जो इमेज है उसको कॉपी कर सकते हैं। बल्ब ऑन की जो हमने नेम है उसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे या फिर आप लिख भी सकते हैं .gif, ठीक है। यहाँ पर हमने इस नेम को लिख दिया है क्योंकि हमारी जो दोनों नेम है वो सेम जगह पर है, यानी कि जो दोनों इमेज हैं वो सेम जगह पर है और जिस प्रोजेक्ट में हम वर्क कर रहे हैं वो भी सेम जगह पर है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर नेम का यूज़ ले लिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है बल्ब ऑन इमेज को, सेव करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ हमारे प्रोजेक्ट पर। रिलोड करते हैं, रिलोड करने पर जब हम टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर गया है, यानी कि इमेज कॉल हो गई है दूसरी, ठीक है। लेकिन अभी हमारा दूसरा बटन वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इस पर प्रोग्रामिंग नहीं करी। तो इस पर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बटन 2 में आना पड़ेगा, यानी कि जो दूसरा बटन है, जो हमने दूसरा बटन टर्न ऑफ द लाइट वाला यूज़ करा है उसमें आना पड़ेगा और सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने जस्ट इसको सीधा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर जो इमेज है वो हम सेम ये बल्ब ऑफ वाली यूज ले लेंगे, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, बल्ब ऑफ आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, बटन ऑन पर हमने इस यानी कि सोर्स जो बल्ब ऑन वाली सोर्स है उसको कॉल कराया, बटन ऑफ पर हमने इसको कॉल कराया और डिफॉल्ट पर हमने रखा, यानी कि जो चेंज हो रहे हैं वो इमेज के साथ हो रहे हैं, इस इमेज के साथ खिलवाड़ हो रहा है इन बटन के द्वारा और ये जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट है इनके द्वारा। चलिए सेव करते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बल्ब बुझा हुआ है, टर्न ऑन किया बल्ब जल गया, टर्न ऑफ किया बल्ब बुझ गया, ठीक है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। इसमें अगर आपको और कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप डिवीजन टैग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था div align
इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। और जस्ट नीचे आकर आप बॉडी टैग से जस्ट पहले डिव लाइन को क्लोज कर दीजिए, डिव टैग को क्लोज कर दीजिए जस्ट। अब इसको आप रिफ्रेश करा और रिफ्रेश करते ही आपने देखा कि ये बीच में आ गया है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो एग्जांपल मैंने आपको बताया बल्ब ऑन एंड ऑफ, आपको क्रिएटिव लगा होगा और इसको आप भी क्रिएट करेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आगे आने वाली वीडियोस में काफी कुछ है बताने के लिए, किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर जो टैब्स लगे रहते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, या फिर फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, जिस तरीके से जो जॉब के फॉर्म हम फिलअप करते हैं या फिर लॉगिन फॉर्म जो होता है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ये सब आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको जस्ट एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस करना है, और देखते रहना है बस टुडे टेक। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।